रखदया शांति वनस्पत शांति सर्वगुण शांति शांति देव श्यामः शांति। सबसे पहले तो मैं अनिल भाटी सुनो भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए जहाँ हम खड़े हैं यह सिलारपुर का शिव मंदिर है, जहाँ पर टिकैत रसोई निरंतर 49 दिन से लगातार जारी है। आज इस रसोई को 49वां दिन है और यह संपूर्ण गांव सिलारपुर खादर ने पूरी मेहनत और धर्म के साथ यहाँ पर रोजाना 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार मजदूरों को पेट भर भोजन प्राप्त दिया गया है, जिससे यह टिकैत रसोई लगातार निरंतर जारी रही। आज बाबा टिकैत की जिन्होंने हमारे जो मसीहा थे टिकैत साहब, जिन्होंने किसान मजदूरों की आवाज़ को एक गांव से उठाकर दिल्ली तक उन नेताओं के कानों तक पहुंचाने का काम करते थे, जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी। आज 15 मई को सन 2011 में उन्होंने अपनी जो उम्र वो पूरी हुई और इस चोले से वो परमात्मा में विलीन हुए। उनकी शांति के लिए और उनके बलिदानों को याद करके हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर सभी हमारे जो पूरे किसान हैं उस संकल्प लेकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करते हैं और शोषित मजदूर और किसानों की आवाज़ के लिए हर दिन और रात लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यह संकल्प के साथ आज यहाँ पे सिलारपुर गांव के लोगों का, हमारे भाइयों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आत्माओं से उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 49 दिन निरंतर घर में ना रह के बाहर आकर मजदूरों की सेवा की। जैसे बाबा टिकैत की पुण्यतिथि है और गांव में सभी गांव वालों ने मिलकर मनाई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। आज जो महान आत्मा जिनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, हम अपने आप को बहुत ही आनंदित और गौरवित महसूस कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान की, मजदूर की और गरीबों की आवाज़ जो नेतृत्व उठा रहा है भारतीय किसान यूनियन, हम उसका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्य। सर्वप्रथम बाबा को नमन करते हुए, बाबा ने ही हमें इस पदचिन्हों पर चलने की हमें आज प्रेरणा मिली है। बाबा की जो पुण्यतिथि है और बाबा के ही नक्शे कदम पे हम किसान चलते आए हैं और जो ये 49 दिन से सिलारपुर खादर में हमारे अशोक भाटी जी, विसरक ब्लॉक अध्यक्ष जी, भाई सुभाष भाटी जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इनके सभी के कारण जो ये यहाँ जनता को, गरीबों को, किसानों को खाना मुहैया हो रहा है। ऐसी कोरोना महामारी में बाबा की जो दी हुई हमें शिक्षा थी कि भाई गरीबों को और किसानों को सदा उनका सहाय बने, इन भाइयों ने उसके लिए और हमारी पूरी नोएडा टीम ने मिलकर जो ये काम चल रहा है उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं और बाबा के पदचिन्हों में चलते रहेंगे। जय जवान, जय किसान। मुलाकात कराऊंगा चौधरी अशोक भाटी जी से, जो कि पिछले 48 दिनों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, आप देख सकते हैं। ये बताएंगे कि ये जो भंडारा चल रहा है कब से चल रहा है और रोज़ाना कितने लोग यहाँ पे आते हैं। अशोक जी आपका स्वागत है सुनो भारत में। नमस्कार जी, सुनो भारत टीम का हमारी कवरिंग करने के लिए। जैसे आज 49 दिन हो गए हैं भंडारा चल चलते और आज महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि भी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए। हाँ, भारतीय किसान यूनियन के जनक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आज 9वीं पुण्यतिथि है। वैसे तभी से लॉकडाउन चला, तभी से हमारे यहाँ पर रोज़ की शुरुआत 500 से हुई थी, फिर 1000, फिर 1500, आज कम से कम 2000 लोग खाना खा रहे हैं। ये चौथी पंगत बैठी है अभी जो आप देख रहे हो। तो जैसे आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की 9वीं पुण्यतिथि, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो किसान नेता हैं। भारतीय किसान यूनियन के जनक हैं, सिसौली में इनकी जो हुक्का की गुड़गुड़ाहट थी उससे दिल्ली तलक की सरकारें हाल जाया करती थी। इन्होंने जो भी कोई आंदोलन शुरू किया वो सफल रहा और किसान मसीहा के नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे अभी सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन किसानों को जैसे बताया जा रहा है किसानों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसके बारे में क्या कहना है? किसान को तो किसान की फसलों के भी रेट नहीं मिल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये भी किसानों की वजह से, जनता जो भूखी मर रही है उसको खाने का इंतजाम हो गया है। यहाँ पे कम से कम 50-60 हज़ार लोगों ने खाना खा लिया, रोज़ के 1000-1500-2000 तक खाना खा रहे हैं। वो बताते तो हैं कि जवान और किसान के लिए कुछ भी है, जो देश का किसान है वो
खेतों में मर रहा है फांसी लगा के, जो देश का जवान है वो बॉर्डर पे मर रहा है बंदूकों से, आतंकवादियों से। कुछ नहीं हो रहा है, ना जवानों के लिए हो रहा है, ना किसानों के लिए हो रहा है। जैसे भी 17 तारीख को बताया जा रहा है कि लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये जो आपका भंडारा चल रहा है निरंतर, ये कब तक चलेगा? ये हमारे राकेश टिकैत जी का जो आदेश होगा उसी का पालन होगा, वो जो गाइडलाइंस देंगे उसी के आधार पर आगे काम होगा। तो अभी जैसे गांव में भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं सेवा करने, तो कुछ बताना चाहेंगे टीम के बारे में, कैसा सहयोग रहता है गांव वालों का? गांव का सहयोग है, सभी गांव वासी आते हैं सेवा करते हैं। बहुत से लोगों ने तो बाहर से भी जो आए हुए हैं उनको 49 दिन में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, वो सिर्फ सेवा करते हैं कि भाई आप इतना कर रहे हो तो हम भी आपके साथ सहयोग में रहेंगे। जैसे बताया जा रहा था कुछ लोग बाहर से भी आते हैं कि इन लोगों के रोज़गार के लिए पता किया जाता है कि हमारी कंपनी खुल चुकी है वहाँ पर आके काम करें, उसके बारे में कुछ बताया? 2 दिन से आ रहे हैं, सैमसंग से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारा मैसेज दे देना। हम उनको मैसेज दे देते हैं कि भाई जिनको काम चाहिए वो उनसे जाके संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।